जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वृष राशि वाले लोग कैसे होते हैं। आपको अपने बर्थ डिटेल्स नहीं पता है, जन्मपत्री आपकी नहीं बन सकती है, पर आपके अपने बारे में जानना भी चाहते हैं तो आप किस प्रकार से जानेंगे, सिर्फ आपको ये पता है कि आपकी वृष राशि है। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि वृष राशि वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा इनका स्वभाव होता है, किस प्रकार का कैरियर चूज करते हैं और स्वास्थ्य संबंधित क्या परेशानी इनके जीवन में आती हैं, जीवन साथी इनको किस प्रकार से मिलता है। तो यदि आपकी वृष राशि है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। हमारा कल का वीडियो मेष राशि पे था कि मेष राशि वाले लोग किस प्रकार से होते हैं। आपके घर में किसी की मेष राशि है या आपके किसी जानकार की मेष राशि है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियोज़ को देख सकते हैं। वृष राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, वृष राशि का चिन्ह है बैल। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वृष राशि वाले व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अपना स्थान बनाते हैं, कामयाबी की ऊंचाइयों के क्षेत्र तक जाते हैं। ये लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, किसी को देख के घृणा नहीं करते हैं, सबको अपने साथ लेके चलते हैं। खुद तो मेहनत करते ही करते हैं, साथ ही दूसरा यदि कोई मेहनत करके सक्सेस पा रहा है तो उस पर भी ये बहुत खुश होते हैं। देखने में ये सुंदर होते हैं, इनका जीवन साथी इनको बहुत प्यार करने वाला होता है, परिवार में ये सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, वृष राशि वालों को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, परंतु यदि इन्हें कोई बहुत तकलीफ पहुंचाए जो इनसे बर्दाश्त ना हो तो फिर इनका गुस्सा बहुत ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नेचर के ये बहुत ही शांत होते हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं अलग ही दिखाई देते हैं, खुश मिजाज होते हैं, जिस माहौल में होते हैं उस माहौल को खुशी वाला बना देते हैं। जिस क्षेत्र में होते हैं वो माहौल वहाँ का बहुत अच्छा होता है, कि कभी ये उस जगह पे नहीं होते हैं तो लोग इनकी कमी को फील करते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ नहीं है तो कुछ कमी फील हो रही है। ऐसे लोग बहुत ही घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इनको खेलने कूदने का शौक़ होता है, सिंगिंग का शौक़ होता है, डांसिंग का शौक़ होता है। अब वृष राशि वाले कौन से कैरियर के क्षेत्र को अपनाते हैं? तो वृष राशि वाले म्यूज़िक, डांसिंग, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं तो क्रिएटिव फील्ड्स में भी होते हैं, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग इनका प्रिय शौक होता है, उसी प्रकार के ये कैरियर को चूज करते हैं। वृष राशि वाले लोग कलात्मक होते हैं, दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, लोग भी इनके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि ये विश्वासघात कभी नहीं करते हैं। समाज में इनको बहुत मान सम्मान मिलता है, समाज इनको बहुत ही पसंद करता है और ये भी सबको मान सम्मान बहुत देते हैं। डाउन टू अर्थ होते हैं वृष राशि वाले लोग, ऐसे लोगों से हर कोई मित्रता करना चाहता है। ये लोग देखने में सुंदर तो होते ही हैं पर प्रेम के प्रिय भी होते हैं, इनके अफेयर्स भी बहुत होते हैं, जीवन साथी इनको बहुत प्यार करने वाला मिलता है। इनके अफेयर्स रहते हैं पर जिसके साथ ये विवाह करते हैं फिर पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत करते हैं पूरे विश्वास के साथ। अब वृष राशि वालों को किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं अपने जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से? वैसे तो ये अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखते हैं क्योंकि बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, पर फिर भी वृष राशि वालों के साथ क्या जीवन में परेशानियां आ सकती हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से? इनको गले की शिकायत हो सकती है, इनको आँखों की शिकायत रहती है, सर दर्द की समस्या होती है, खांसी जुकाम इनको बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये खान पान पर ध्यान ना रखें तो इनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको गैस की समस्या रहती है। तो आप खान पान के तो बहुत शौकीन हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो खान पान पर ध्यान रखें तो ये समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। अब वृष राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिनसे उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए? तो वृष राशि वालों को हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाना चाहिए, रोज सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, एक मीठा पान मंगलवार को हनुमान जी को जरूर अर्पित करें चोले के साथ, रोज सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ये उपाय करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और यदि आपके किसी काम में कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि वृष राशि वाले लोग किस प्रकार से होते हैं, कैसा उनका कैरियर रहता है, कैसा उनका स्वास्थ्य होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिलें और आप उनसे लाभ उठा सकें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है, तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।